हेलो गाइस, एक बार फिर से मैं रोहित आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो अब की बार जेकेपी कांस्टेबल पार के 45 डेज के क्रैश कोर्स में गाइस हम आज पहुंच चुके हैं अपने डे 14 पे। आज हम पढ़ने वाले हैं गाइस स्पेस प्रोग्राम ऑफ इंडिया के बारे में, इसरो के बारे में। ये इसका पार्ट वन रहेगा और इसका पार्ट सेकंड आपको कल मिल जाएगा गाइस, ठीक है। ये लंबी वीडियो आज हो सकती है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा बहुत लेंथी टॉपिक भी है गाइस, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन इसमें से एग्जाम में जरूर निकलेगा, ये आप मेरे पे विश्वास रखिए, ठीक है गाइस। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारी कोटेशन देखते हैं। देखिए गाइस, ये है हमारी कोटेशन के इफ इट डज नॉट चैलेंज यू इट डज नॉट चेंज यू। ये कही है गाइस फ्रेड डेविटो ने। कहते हैं कि अगर आपको कोई चीज जब तक चैलेंज ना करे, ठीक है, जब तक आपको कोई चैलेंज ना मिले तब तक आप चेंज नहीं हो सकते हो, ठीक है। अगर आपके सामने कोई चैलेंज आती है कि आप ये काम करके दिखाओ, तो आप उस वक्त क्या हो जाओगे, मतलब आप अपने आप को इस तरह मतलब चेंज कर दोगे कि मुझे इस चैलेंज को जीतना ही जीतना है, ठीक है। तो इसलिए चैलेंज लेना सीखो लाइफ में और उस चैलेंज से अपने आप को चेंज करना सीखो, ठीक है गाइज। तो आओ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये सबसे पहले आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये पिक्चर जो आप देख रहे हैं ये मिसाइल है। क्या है गाइज? ये मिसाइल है, जो मिसाइल स्पेस में छोड़ी जाती है इसरो के तहत, ठीक है। अभी आगे देखते हैं कि इसरो क्या होता है, इसका गठन कब हुआ गाइज, ठीक है। देखिए गाइज, ये है कि व्हाट इज इट, यानी कि इसरो क्या है, व्हाट इट इज द इंडियन स्पेस प्रोग्राम जो शुरू हुआ था गाइज, ये हुआ था कब, 1962 में। कब शुरू हुआ था गाइज? इंडियन स्पेस प्रोग्राम जो है ये 1962 में गाइज शुरू हुआ था। तो 1969 में जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, ये सेटअप हुई। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे बनाया गया गाइस? बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर बनाया गया, आज इसको बेंगलुरु बोलते हैं, ठीक है। किसके लिए बनाया गया? फॉर द पर्पस ऑफ रैपिड डेवलपमेंट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। यानी कि उन्होंने क्या करना था, जो स्पेस टेक्नोलॉजी थी उसकी रैपिड तेजी से उसकी डेवलप करनी थी, इसलिए इसको बनाया गया, ठीक है। वो जो टेक्नोलॉजी बनाई जाए और उसको अप्लाई करने के लिए इसको बनाया गया था। तो 1972 में क्या हुआ गाइस, स्पेस कमीशन को एस्टैब्लिश किया गया। स्पेस कमीशन कब एस्टैब्लिश हुआ गाइस? 1972 में। तो 1975 में इंडिया ने अपनी पहली सैटेलाइट लॉन्च की। तो इंडिया ने पहली सैटेलाइट लॉन्च किया, उसका नाम क्या था, आर्यभट्टा, ठीक है। तो उससे वो आर्यभट्टा जब इन्होंने स्पेस क्या किया, स्पेस सैटेलाइट इन्होंने जब लॉन्च किया, तो उससे इंडिया जो है क्या आ गया, इंडिया का स्पेस प्रोग्राम शुरू हो गया। तो एक पहला क्वेश्चन आपका यहाँ से बन सकता है कि मतलब पहली सैटेलाइट इंडिया ने कौन सी बनाई थी गाइज, वो बनाई थी आर्यभट्टा। कब बनाई थी? 1975 में। कब बनाई थी गाइज? 1975 में। फिर ओवर द लास्ट 4.5 डेकेड्स द इंडियन स्पेस प्रोग्राम हैज मेड इम्प्रेसिव प्रोग्रेस थ्रू अ वेल इंटीग्रेटेड सेल्फ रिलायंट प्रोग्राम। तो उसके बाद कुछ आगे 40-50 सालों में उन्होंने क्या किया, तो इंडियन स्पेस प्रोग्राम जो है बहुत अच्छे से क्या हो गया, यहाँ पे उभर कर सामने आया, ठीक है गाइज। देखिए यहाँ पे आप इस पिक्चर को देख के सोच रहे होंगे कि पिक्चर किसकी है। देखो, ये मिसाइल की पिक्चर होती है, ऊपर से जो ये होता है इसे हम कहते हैं गाइज नोज कॉन, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चरल सिस्टम होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, तो पेलोड जो इसमें पेलोड होता है वो यहाँ पे होता है, गाइडेंस सिस्टम जिससे ये गाइड करता है हमें नीचे, ठीक है। ये इसका फ्यूल होता है, ये फ्रेम होता है, ये ऑक्सीडाइजर होता है, ये होते हैं पंप्स, ये होती है नोजल वगैरह फिन, ठीक है। ये एक सिस्टम होता है मिसाइल का, ठीक है गाइज। तो गाइज आए अब इसके हम हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है इसकी, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि कहां से आई, कौन साइंटिस्ट सबसे पहले इसके। तो जब मॉडर्न स्पेस रिसर्च की जो शुरुआत होती है गाइज, उसकी शुरुआत होती है 1920 में, इसकी शुरुआत होना शुरू हो जाती है यहाँ पे, जब एक इंडिया के साइंटिस्ट थे एसके मित्रा, जो यहाँ पे साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट की सीरीज को कंडक्ट किया, ठीक है। उन्होंने आयनोस्फेयर को यहाँ पे उसको अप्लाई किया ग्राउंड बेस्ड रेडियो मेथड में, कलकत्ता में उन्होंने किया। उसके बाद क्या हुआ कि इंडिया के कुछ बाकी साइंटिस्ट भी थे, जैसे कि सीवी रमन थे, मेघनाथ साहा थे, देखो यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, उन्होंने कुछ साइंटिफिक प्रिंसिपल को अप्लाई किया स्पेस साइंसेज में। तो जबकि 1945 का जब पीरियड आया तो उसमें कुछ डेवलपमेंट दिखाई गई, यहाँ पे दिखाई दी स्पेस रिसर्च में, ठीक है। तो गाइस आगे चलते चलते क्या होता है कि टू सुपर हीरोज ऑफ इंडिया आ जाते हैं, ठीक है। इंडिया के दो सुपर हीरो आ जाते हैं, पहले एसके मित्रा आ गए, ठीक है, मेघनाथ साहा, सीवी रमन, उन्होंने जब तक वो की। 1945 में यहाँ पे क्या हो जाता है कि एक स्पेस रिसर्च जो है यहाँ पे इंडिया में स्पेयर हेड करते हैं, उसको सबसे आगे चलाते हैं, दो साइंटिस्ट उसको चलाते हैं, विक्रम साराभाई,
ठीक है, जो किसके फाउंडर हैं, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद में उन्होंने एक क्या की, उसकी बुनियाद डाली, एंड होमी भाभा, ठीक है, हु एस्टैब्लिश द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च इन 1945। विक्रम साराभाई ने और होमी भाभा ने क्या किया, उन्होंने एक तो फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद में उसकी बुनियाद डाली और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च 1945 में उसकी बुनियाद डाली। तो इनिशियली जो है एक्सपेरिमेंट किए गए स्पेस साइंसेज में, उन्होंने वहां पे कॉस्मिक रेडिएशन की स्टडी की, हाई अल्टीट्यूड एंड एयरबोर्न टेस्टिंग वहां पे की, डीप अंडरग्राउंड एक्सपेरिमेंटेशन कहां पे की, कोलार माइंस में की, एंड द स्टडीज ऑफ अपर एटमोस्फेयर, उन्होंने क्या किया अपर एटमोस्फेयर की स्टडीज भी उन्होंने वहां पर करी। तो उसके बाद क्या होता है गाइस कि 1950 में यानी कि 1950 में एटॉमिक एनर्जी का जो डिपार्टमेंट था उसको तैयार किया गया, भाभा को क्या रखा गया, उसका सेक्रेटरी बनाया गया, ठीक है। तो उसके बाद जो डिपार्टमेंट जो था उसने फंडिंग प्रोवाइड की स्पेस रिसर्च में, ठीक है, जब जो स्पेस के लिए जो रिसर्च होने लगी उसके लिए फंडिंग जो है एटॉमिक एनर्जी के डिपार्टमेंट ने प्रोवाइड की पूरे इंडिया में, ठीक है। 1954 में उसके बाद क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश स्टेट ऑब्जर्वेटरी को इस्टेब्लिश किया गया हिमालयाज के फुट हिल्स में, ठीक है, जो हिमालयाज हैं उसके फुट हिल्स में उत्तर प्रदेश में एक स्टेट ऑब्जर्वेटरी को इस्टेब्लिश किया गया। उस ऑब्जर्वेटरी का नाम क्या था गाइज, तो उसके बाद क्या हुआ, रंगपुर ऑब्जर्वेटरी को सेटअप किया गया 1957 में, कहां पे, उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद में, ठीक है, हैदराबाद में एक उस्मानिया यूनिवर्सिटी है, वहां पे रंगपुर ऑब्जर्वेटरी को 1957 में गाइज एस्टैब्लिश किया गया। हाँ, तो गाइज फिर इसके कुछ प्रोग्राम हम देखते हैं कि प्रोग्राम कैसे किस चला इसका। तो स्पेस प्रोग्राम जो इसको फर्दर किसने इनकरेज किया, टेक्निकली किसने इसको इनकरेज किया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो थे उस वक्त जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने इसको टेक्निकली क्या किया गाइज, इसको इंक्लाइन किया, इसमें वो जुड़ गए लोगों, उन्होंने जो साइंटिस्ट उनको इनकरेज किया। तो 1957 में क्या हुआ कि जो सोवियत यूनियन ने क्या किया, जिसको आज रशिया बोले जाते हैं, क्या बोलते हैं गाइज, आज इसको रशिया बोलते हैं, उसने एक अपनी क्या किया, एक उसने स्पटनिक वन नाम से एक स्पेस लॉन्च किया, ठीक है। उससे क्या हुआ, उससे एक चीज यहां पे हुई कि जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड था, जो दुनिया थी, उसके लिए स्पेस लॉन्च के लिए कुछ पॉसिबिलिटीज क्या हो गई, शुरू हो गई। तो इंडिया नेशनल एक कमेटी थी स्पेस रिसर्च की, जिसको INCO SPR कहते हैं, इनको स्पार कहते हैं, उसको 1962 में सेटअप किया गया। उसको सेटअप किसने किया, जवाहरलाल नेहरू में जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, उन्होंने उसको सेटअप किया। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप कब किया गया, अहमदाबाद में इसको 1969 में सेटअप किया गया। किसने किया, प्रोफेसर विक्रम साराभाई, तब इसके क्या बनाए गए, चेयरमैन बनाए गए। देखिए मैं आपको स्टार्टिंग से बताता आ रहा हूं कि जब भी कोई चीज बनाई जाती है उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कुछ एम्स होते हैं, ऐसे तो कोई चीज हम करते नहीं है। जैसे अगर हम पढ़ते हैं तो उसके लिए भी हमें, हमारा कोई ऑब्जेक्टिव होता तभी हम पढ़ते हैं। तो उन्होंने भी इसको बनाया गया, इसके कुछ उन्होंने ऑब्जेक्टिव रखे। सिंस इंसेप्शन, जब से इसको स्टार्ट किया गया, तो इंडियन स्पेस प्रोग्राम जो हैज बीन ऑर्केस्ट्रेटेड वेल एंड हैज थ्री डिस्टिंक्ट एलिमेंट। इसके उन्होंने क्या रखे, कुछ जब इन्होंने इसको स्टार्ट किया तो उसके इन्होंने क्या रखे, कुछ तीन डिस्टिंक्ट उसके एलिमेंट रखे, जैसे कि सैटेलाइट फॉर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के लिए कुछ सैटेलाइट बनानी है, रिमोट सेंसिंग करनी है, ठीक है, रिमोट सेंसिंग के लिए कुछ सैटेलाइट बनाने हैं, तो स्पेस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम, ठीक है, स्पेस के ट्रांसपोर्ट में जाने के लिए कुछ सिस्टम ऐसा बनाना है, तैयार करना है। तो ये उन्होंने इसके डिस्टिंक्ट कुछ एलिमेंट रखे, ठीक है। तो दो मेजर उन्होंने ऑपरेशनल सिस्टम यहाँ पे एस्टैब्लिश किए, द इंडियन नेशनल सैटेलाइट, ठीक है, जिसको हम इनसेट बोलते हैं गाइज, क्या बोलते हैं, इनसेट, उन्होंने उसको शुरू किया टेली कम्युनिकेशन के लिए, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग के लिए, मेटेरोलॉजिकल सर्विस के लिए, ठीक है। तो टेली कम्युनिकेशन यानी कि टेलीविजन के लिए जो हमें सिग्नल आता है वहां से, जो टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग होती है, और मेटेरोलॉजिकल सर्विसेज यानी कि जो हमें क्या बोलते हैं, जो वेदर होता है उसके बारे में पता चलता है कल कैसा वेदर होगा, ठीक है, ये सब हमें किस सेटेलाइट से पता लगता है, ऑपरेशन सिस्टम कौन सा है, वो इनसेट उसे कहते हैं, ठीक है, वो एक ऑपरेशनल सिस्टम है। दूसरा था कि इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट IRS, इसको हम कहते हैं, इनके बारे में आगे हम जानने की कोशिश करेंगे, आगे चलेंगे जब। तो फॉर्म IRS को किस लिए बनाया गया, फॉर मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट सपोर्ट। तो रिमोट सेंसिंग इसलिए बनाया गया ताकि वो जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है उनको मॉनिटर कर सके, कहां कहां पर है, और डिजास्टर मैनेजमेंट को उनको सपोर्ट कर सके।
तो अब सैटेलाइट तो बना लेंगे तो उसके बाद उसको लॉन्च करने का कोई व्हीकल तो चाहिए, ठीक है, यानी कि जिसपे उसको लॉन्च किया जाए। तो 1960s और 1970s के दौरान क्या हो गया, इंडिया ने इसके अपने व्हीकल लॉन्च किए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू जियोपॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंसिडरेशन, अपनी इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल कंसिडरेशन को देखते हुए उन्होंने क्या किया, अपने लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम को इनिशिएट कर दिया, शुरू कर दिया। तो 1960s और 1970s के बीच में क्या हुआ, तो कंट्री ने क्या कर दिया, एक इन्होंने क्या कर दिया, साउंडिंग रॉकेट प्रोग्राम को डेवलप किया और 1980s में रिसर्च को इतना अच्छा किया गया कि जिससे सैटेलाइट सिस्टम लॉन्च व्हीकल 3 को उन्होंने क्या कर दिया, शुरू कर दिया, और एक मोर एडवांस्ड ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ASLV को उन्होंने क्या कर दिया, लॉन्च कर दिया, कंप्लीट विद इट्स ऑपरेशनल सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको उन्होंने क्या कर दिया, वहां पे तैयार कर दिया। इसरो ने क्या कर दिया, फिर इसरो ने आगे इसको अप्लाई किया, इसकी एनर्जीज को देखा, ठीक है, तो उन्होंने इस लॉन्च व्हीकल को क्या किया, इसकी टेक्नोलॉजी को एडवांस किया, जिससे उन्होंने PSLV और GSLV की टेक्नोलॉजीज को बनाया। तो आओ हम देखते हैं कि सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स क्या होती हैं। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इनको हम क्या बोलते हैं, एब्रीवेशन अगर इसको हम करें तो SLV और SLV-3 बोला जाता है। एक 4-स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट लाइट लॉन्चर थे, ठीक है, इट वाज इंटेंडेड टू रीच अ हाइट ऑफ 500 किलोमीटर, ठीक है। इनका इसको किस लिए बनाया गया था, मतलब कि इनका जो हाइट का रीच था वो कहां तक जा सकते थे, सिर्फ ये 500 किलोमीटर तक जा सकते थे, यानी कि 310 miles तक, एंड कैरी ए पेलोड ऑफ 40 किलोग्राम, सिर्फ वो 40 किलोग्राम का पेलोड उठा सकते थे, कौन से, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स, ठीक है। फिर इसी सीरीज में ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाए गए, ASLV जिन्हें कहते हैं, तो इसको ASLV एब्रिवेट करते हैं, और ये 5-स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट था। क्या था गाइस, 5-स्टेज, पहले वाला कौन सा था जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था, वो 3-स्टेज था, 4-स्टेज, सॉरी वो 4-स्टेज था, अब ये 5-स्टेज था, ठीक है, विद द कैपेबिलिटी ऑफ प्लेसिंग, अभी कितना उठा सकता था, 150 kg, पहले वाला कितना खाली 40 kg उठा सकता था, ये 150 kg उठा सकता था, ठीक है, इनटू अ लो अर्थ ऑर्बिट। उसके बाद पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल आया, PSLV जिसे हम कहते हैं, ये एक एक्सपेंडेबल लॉन्च सिस्टम था, इसको इसरो ने डेवलप किया इंडिया को, कि अपने जो IRS जो है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स जो हैं, उनको सन के सिंक्रोनस ऑर्बिट्स में क्या करें, लॉन्च करें, ठीक है। तो फिर आता है गाइस हमारे पास हमारा GSLV, यानी कि जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये एक एक्सपेंडेबल, ये एक इसको और ज्यादा आगे बढ़ाया गया लॉन्च सिस्टम है। इसने क्या किया, इंडिया को इसके जो इनसेट टाइप के सैटेलाइट थे उनको जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में पहुंचाने के लिए इसको लॉन्च कर दिया गया, और इंडिया को उसने दूसरी कंट्री जो फॉरन के जो रॉकेट थे उस पे, मतलब डिपेंड रहने से क्या कर दिया, थोड़ा कम कर दिया। पहले इंडिया टोटली उन पे डिपेंड था कि अपने सैटेलाइट को वहां पे ऑर्बिट में पहुंचाने के लिए, ठीक है, लॉन्च करने के लिए। जब इंडिया ने GSLV PSLV बनाया तो उससे उनकी डिपेंडेंस जो है बाकी कंट्रीज पे कम हो गई। ये व्हीकल जो है इसको इंडिया में ही बनाया जाता है, किससे, एक साइरोजेनिक इंजन होता है जिसको हम रशिया से परचेज करते हैं, तो जबकि इसरो डेवलप ने अपना ही क्या कर दिया, साइरोजेनिक इंजन को डेवलप कर दिया, ठीक है। इससे क्या हो गया, जब इंडिया ने अपना ही साइरोजेनिक इंजन जो है डेवलप कर दिया, तो उससे क्या हो गया कि हमारी जो डिपेंडेंस थी बाकी कंट्रीज पे वो खत्म होना शुरू हो गई। तो फर्स्ट वर्जन जो है GSLV का, GSLV MK1 जिसे कहते हैं, इसको यूजिंग द रशियन साइरोजेनिक, इसने रशिया का सार्वजनिक स्टेज इसने यहाँ पे यूज किया, तो इसको ऑपरेशन कब किया गया, यानी कि इसको स्टार्ट कब कर दिया गया, 2004 में, आफ्टर एन अनसक्सेसफुल फर्स्ट लॉन्च इन 2001 एंड द सेकंड सक्सेसफुल डेवलपमेंट लॉन्च इन 2003। जब इसको पहला लॉन्च किया गया था 2001 में, तब ये अनसक्सेसफुल रहा था, ठीक है, जब इसका सेकंड सक्सेसफुल लॉन्च किया गया 2003 में, तो पहली अटेम्प्ट जो थी GSLV MK2 को लॉन्च करने की इंडियन बिल्ड सार्वजनिक इंजन की, ठीक है, वो वहां पे की गई थी। अब जो कुछ सैटेलाइट्स हैं गाइस इंडिया की, जैसे कि इनसेट सीरीज हो गई है, IRS सीरीज हो गई, तो अब इनसेट सीरीज क्या होता है कि इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम जो होता है, ये एक मल्टीपर्पज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होती है, जो इसरो जिनको क्या करता है, लॉन्च करता है टू सेटिस्फाई द टेली कम्युनिकेशन ब्रॉडकास्टिंग मेट्रोलॉजिकल एंड सर्च एंड रेस्क्यू नीड्स ऑफ इंडिया। मैंने पहले कहा था कि इनसेट सीरीज जो है इसलिए स्टार्ट की गई थी जिससे कि हम टेली कम्युनिकेशन को ज्यादा वो कर ध्यान दे सकें, तो टीवी को ब्रॉडकास्ट करने में जो चैनल हम देखते हैं यहाँ पे, ठीक है,
तो जो सिग्नल आता है हमारा मेट्रोलॉजी पता है आपको। उसके बाद ये कब कमीशन किया गया, इसको 1983 में इनसेट को कमीशन किया गया। इनसेट जो है लार्जेस्ट डोमेस्टिक कम्युनिकेशन सिस्टम है इन द एशिया पैसिफिक रीजन। जो हमारा एशिया पैसिफिक रीजन जो है तो उसमें क्या है, इनसेट जो है लार्जेस्ट डोमेस्टिक कम्युनिकेशन है। ठीक है, जो हमें यहाँ पे कम्युनिकेशन होता है वो किससे होता है, इनसेट सीरीज के सैटेलाइट से ही होता है। इट इज अ जॉइंट वेंचर। ठीक है, ये एक जॉइंट वेंचर है किस किस का, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का, एंड ऑल इंडिया रेडियो एंड दूरदर्शन। ठीक है, ये जितने भी डिपार्टमेंट है ये इनका एक जॉइंट वेंचर है। ठीक है, ये इन सब की तरह एक क्या है, इन सब ने इसको शुरू किया गाइज। ठीक है, तो दूसरा है गाइज हमारे पास IRS यानी कि इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स। ठीक है, तो एक सीरीज है अर्थ की ऑब्जर्वेशन यानी कि अर्थ को ऑब्जर्व करने की सैटेलाइट है। इसको बिल्ड लॉन्च एंड मेंटेन कौन करता है, इसरो करता है। ठीक है, IRS की सीरीज जो है ये क्या प्रोवाइड करती है, रिमोट सेंसिंग सर्विसेज टू द कंट्री। इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम एक लार्जेस्ट कलेक्शन है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट की फॉर सिविलियन यूज इन द ऑपरेशन टुडे इन द वर्ल्ड। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में जो सिविलियन यूज के जो सैटेलाइट यूज की जाती है वो है गाइज इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम। तो उसके बाद है गाइज हमारे पास IRNSS यानी के इंडियन इंडिपेंडेंट रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट्स। ठीक है, ये एक सिस्टम है सैटेलाइट्स का, ये इंडिया ने इसको डेवलप किया है। ठीक है, इट इज डिजाइन टू प्रोवाइड एक्यूरेट पोजिशन इन्फॉर्मेशन सर्विस यानी कि जो हमारा इन्फॉर्मेशन जो नेविगेशन है हमारी कि हमारी, ठीक है, यूजर जो इंडिया में जितने भी यूजर्स हैं उनको उनकी सर्विस के बारे में इन्फॉर्मेशन बता कि उनके एक्यूरेट पोजिशन कहाँ पे है। एज वेल एज द रीजन एक्सटेंडेड अप टू 1500 किलोमीटर फ्रॉम इट्स बाउंड्री विच इज प्राइमरी सर्विस एरिया। ठीक है, तो IRNSS जो है ये दो टाइप की सर्विसेज क्या करती है यहाँ पे प्रोवाइड करती है, नेमली स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सर्विस एंड रिस्ट्रिक्टेड सर्विसेज। कौन सी IRNSS जो है गाइज ये कौन सी सर्विस प्रोवाइड करती है, स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सर्विस एंड रिस्ट्रिक्टेड सर्विसेज। ठीक है, दो सर्विसेज IRNSS प्रोवाइड करती है। ये एक ऑटोनॉमस रीजनल सैटेलाइट है नेविगेशन सिस्टम, ये इसरो के जरिए क्या होता है डेवलप होता है। टोटली कंट्रोल जो होता है इसका इंडियन गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करती है। ठीक है, रिक्वायरमेंट ऑफ सच अ नेविगेशन सिस्टम इज ड्राइवन बाय द फैक्ट दैट एक्सेस टू ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम लाइक GPS इज नॉट गारंटीड इन हॉस्टाइल सिचुएशन। ठीक है, जब हॉस्टाइल सिचुएशन होती है तो उस वक्त जो है GPS जो है गारंटीड नहीं होता है। ठीक है गाइस, जिसे ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम कहते हैं। अब जो हमारे इसरो ने जो एक्सप्लोरेशन की हैं, थोड़ा चंद्रयान और मंगलयान के बारे में आपको यहाँ पे मैं बताऊंगा। चंद्रयान, ठीक है, चंद्रयान वन जो है पहला इंडिया का मिशन था चांद के लिए। ठीक है, अनमैन्ड लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन इंक्लूड अ लूनर ऑर्बिटर एंड द इम्पैक्ट आर कॉल्ड मून इम्पैक्ट प्रोब। ठीक है, चंद्रयान जो पहला मिशन था मून के लिए। ठीक है, तो 22 अक्टूबर 2008 को सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से, ठीक है, इसको छोड़ा गया था। व्हीकल वाज इंसर्टेड, इस व्हीकल को इंसर्ट किया गया था लूनर ऑर्बिट में कब, 8 नवंबर 2008 को। इसने एक हाई रेजोल्यूशन रिमोट सेंसिंग इक्विपमेंट फॉर विजिबल नियर इंफ्रारेड एंड सॉफ्ट एंड हार्ड एक्सरे फ्रिक्वेंसीज को अपने हाथ कैरी किया हुआ था। तो इसके 312 डेज के ऑपरेशनल पीरियड में यानी कि 2 साल का इसका प्लान किया गया था, तो उसके 312 दिनों के ऑपरेशनल पीरियड में क्या हुआ, इसने सर्वे किया लूनर सरफेस को टू प्रोड्यूस ए कंप्लीट, उसके एक उसने कंप्लीट मैप लाया इसके केमिकल करैक्टरिस्टिक एंड थ्री डायमेंशनल टोपोग्राफी। ठीक है, उसके केमिकल करैक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके जो लूनर सरफेस है उसकी मून की, उसके बारे में सारा इसने सर्वे करके हमें एक मैप प्रोवाइड किया। ठीक है गाइज, तो फिर है हमारे पास मंगलयान। ठीक है, मंगलयान, चंद्रयान, मंगलयान, मंगलयान पे फिल्म भी बनी अक्षय कुमार की, आप उस फिल्म को भी देख लीजिएगा। ठीक है, द मार्स ऑर्बिटर मिशन। ठीक है, जो मार्स क्या होता है, मंगल ग्रह जिसे हम बोलते हैं, इसका एक मिशन था, इसको हम क्या बोलते हैं, मंगलयान बोलते हैं। ठीक है, इसको हमारे अर्थ के ऑर्बिट में 5 नवंबर 2013 को लॉन्च कर दिया था इसरो ने।
ठीक है। और इसने और ये मार्स में इसने एंटर कब किया था, मार्स में कब पहुंचा था, ये 24 सितंबर 2014 को ये मार्स में पहुंचा था, ठीक है। तो इंडिया पहली कंट्री बनी थी जो मार्स के ऑर्बिट में अपनी पहले ही अटेम्प्ट में पहुंची थी, तो ठीक है। और इसने सबसे लो कास्ट रिकॉर्ड की थी कि $74 मिलियन में ये हमारा क्या हुआ था, ये जो मंगलयान मिशन था ये सक्सेसफुल हुआ था। जो हमारा मंगलयान मिशन जो था ये मार्स के ऑर्बिट में 24 सितंबर 2014 को पहुंचा था 8:23 पे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अगर उसे हम देखें। तो स्पेसक्राफ्ट में क्या किया है, लॉन्च हैड ए लॉन्च मास ऑफ 1337 kg, ठीक है। इसने इतना अपने साथ क्या किया हुआ था, वो मास कैरी किया हुआ था, ठीक है, 15 kg विद 15 kg या 5 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट एज पेलोड। इसके पास 15 kg और 1337 kg का पेलोड था, ठीक है। नेशनल स्पेस सोसाइटी ने मार्स ऑर्बिटर मिशन जो टीम थी 2015 की स्पेस पायनियर अवार्ड इन द साइंस एंड इंजीनियरिंग कैटेगरी, उसने उनको जो नेशनल स्पेस सोसाइटी थी उसने जो इस मिशन में MOM मिशन में मार्स ऑर्बिटर मिशन में जो क्या थे जो टीम थी उनको स्पेस पायनियर अवार्ड दिया था 2015 में, ठीक है। जो किस कैटेगरी में मिलता है, साइंस एंड इंजीनियरिंग कैटेगरी में मिलता है। तो गाइज ये था हमारा आज का एनालिसिस, जो हमने किसके बारे में पढ़ा, थोड़ा सा इसरो के बारे में जानने की कोशिश की, थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री के बारे में जानने की कोशिश की। तो एक चीज यहाँ पे बताना मैं भूल गया गाइज आपको कि आज इसरो का जो चेयरमैन है वो है गाइज के सिवान, डॉक्टर के सिवान, ठीक है। आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को थोड़ा बहुत मिला होगा। अगर आपको सच में कुछ सीखने को मिला है वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपनी फीडबैक दें, वीडियो में कोई कमी थी वो हमें बताएं, सब्सक्राइब करें चैनल को, शेयर करें चैनल को। अगर इसकी PDF अगर आप चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर विजिट कीजिए, कोई अगर आप क्विज देना चाहते हैं आप इस वेबसाइट पर विजिट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो गाइज थैंक यू।